नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। ज्यादा नमक खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और खाने में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम नमक भी नुकसानदायक हो सकता है? जी हाँ, नमक की कमी भी आपकी सेहत को खराब कर सकती है। चलिए जानते हैं कम नमक खाने के कुछ नुकसान। एक रिसर्च के अनुसार कम नमक खाने वाले लोगों में रेनिन, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। कम नमक खाने पर आपको सोडियम की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार नमक की कमी का सीधा संबंध इंसुलिन संवेदनशीलता से है। ये इंसुलिन संवेदनशीलता को घटाता है जबकि कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इंसुलिन संवेदनशीलता की कमी डायबिटीज से पहले का चरण है। एक रिसर्च के अनुसार आवश्यकता से कम नमक खाने पर हाइपरटेंशन या सिस्टोलिक प्रेशर में खासा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कम नमक खाने से इनकी संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा कम नमक खाने की स्थिति में आपको सुस्ती, उल्टी जैसा मन होना और मन कच्चा होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो दिमाग व हृदय की सूजन की ओर इशारा करती हैं। अगर आप शारीरिक परिश्रम अधिक करते हैं तो आपको नमक की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। अगर आप इस डर से नमक कम खाते हैं कि ज्यादा नमक खाने से आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि बिना कारण नमक कम खाना आपको लो ब्लड प्रेशर का मरीज जरूर बना सकता है। तो दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नमक की ना तो बहुत ज्यादा मात्रा खाइए ना बहुत ही कम। हर चीज एक लिमिटेड मात्रा में खाना शरीर के लिए सही होता है। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।